वो कैमरा चल पे उधर। अस्सलाम वालेकुम। बस आज भी नाश्ते के लिए बैठे हैं। मटेरियल मेरे पास एक्चुअली कुछ है नहीं, और मैंने कहा चलिए यही थोड़ी सी अपडेट कर दें कि अभी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से हार्ट हार्ट के हॉस्पिटल में। जो भी चल रहे हैं वो पहले भी दो हो चुके हैं, आज ये थर्ड अपॉइंटमेंट है। अब सारी रिपोर्ट्स उनको चली गई हैं, जो भी इनके डीप टेस्ट थे ब्लड के और उसके सारे। तो आज फाइनली उस क्या टेस्ट होते हैं और क्या सजेस्ट करते हैं, फर्दर क्या कहते हैं वो पता लगेगा वहाँ जाके। तो इंशाल्लाह वो अपॉइंटमेंट अवेल करना है। लेकिन वैसे आप देख रहे हैं माशाल्लाह आसपास जो है वो बहुत ही बेहतर हैं, और 2 दिन से 3 दिन से इन्होंने जिम भी ज्वाइन कर लिया है। मुझे भी बड़ा फोर्स करनी है कि जरूर मैं कभी मैं तो माशाल्लाह अल्लाह का फजल है पहलवान। मैंने तुम्हें होर की उसे कुश्तियाँ लड़ोनी है, जिम ले जाके कोई रेसलिंग करवानी। मैं अब छोटे मोटे मसल्स बनाने के लिए घर में चलते फिरते इसे, तो मेरा मुझे लगता नहीं है कि मुझे जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि घर के ये जैसे ही जाएंगे ना जिम, तो मैं बाद में कोई ना कोई अपना प्रोजेक्ट, कोई गैराज को सेट करना, कुछ उसको करना। ये मैं कौन सा बैठा थोड़ी रहता हूँ, वो अलग बात है। कमेंट्स पे बैठते हो तो फिर कमेंट्स पे मैं नहीं उठता, जिंदा कुकड़ी 21 दिन लेनी आंडिया से पहनी फिर मैं नहीं उठता अगर कमेंट्स को मैंने खोल लिया तो। खैर तो ये है बस। आप बहुत बहुत शुक्रिया सबका, सब लोगों ने ही दुआएं की और माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं। और ख़ास बात तो आसवा जो चेंजिंग तुम्हारी शुरू हुई है वो इन्होंने बहुत सारे, आप देखें आप ही में से लोगों को, कई मरतबा मुझे भी आता कि ये गलत कह दिया वो गलत, लेकिन आप ही लोगों में से ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि अंकल ये जो ये मेडिकेशन है वो इनको सूट नहीं करती हो रही होगी, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और स्पेशली ब्लड प्रेशर की जो मेडिकेशन है इसको भी ये ऐसे जैसे थायराइड की, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता। गो के ब्लड प्रेशर के लिए गिनती की 2-3 ही मेरे ख्याल टेबलेट्स हैं, लेकिन यहाँ जो भी उन्होंने एक फार्मूला मिक्स टाइप का हार्ट वाला जो हॉस्पिटल है उन्होंने जो अब ये दी है, तो उसके बाद से माशाल्लाह उनकी हार्ट बीट भी काबू में है और उनको कोई स्वेटिंग भी नहीं हो रही। बीपी हम डेली उन्होंने आज देखें मेरा ख्याल 1 महीना हो गया डेली ब्लड प्रेशर चेक करके उसकी बाकायदा चार्ट, महीने से भी ऊपर अब होने लगा। डेली हम उसको नोट करते हैं, वो सारी हिस्ट्री के पास है आस पास, आज वो भी दिखाई दी उनको। तो माशाल्लाह वो दवाई जब से चेंज की है, मैं ये कहूँगा जब से वो चेंज की है, और साथ ही इन्होंने हेल्दी खाना शुरू कर दिया, दूसरा खाना सब आयल। आपको नजर आता है आप घर साथ पूरी फैमिली बैठी है, सब चीजें रखी हुई, तो ऐसे लगता है आसवा भी खा रही है ये नहीं खा रही, ऐसे कोई निवाले दो निवाले कहीं ऐसा कुछ कर लिया। तो हेल्दी शुरू किया हुआ सबसे पहले ये दूध हुआ, इवन दूध को भी इन्होंने कम किया हुआ। कभी कभार चाय बना ली, नहीं तो हम ग्रीन टी और अदरक वाली टी वो पी रहे हैं। और एक उसकी आसपास कौन सी रात को जो पीते हैं, देखो नाम मैं भूल, अजवाइन की चाय, ये कोई शायद ही कम लोग पीते होंगे। और ये भी फार्मूला हमें बताया उनके सना के डैड ने बताया, वो कहते हैं हमारे तो इंडिया में तो खास तौर पे हमारी जो कम्युनिटी या लोग जो अरीब करीब में बोला, रात को सोने से पहले वो लाजमी अजवाइन को थोड़ा सा भूनते हैं, हल्का सा उसको उसके वजह से फ्राई किया और उसके बाद उसी के अंदर आपने पानी डाला 2 गिलास, बॉयल किया उसको थोड़ी देर 15-20 मिनट उसके बाद। तो ये हेल्दी चीज़ें ये डेली खा रहे हैं 1 महीने से, अदरक और अजवाइन ये हो गया। और माशाल्लाह वैसे हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत जितनी कर रही हैं, हमने वॉक भी बीच में शुरू की थी टोरंटो में, घर के काम काज इतने ज़्यादा थे, वो डी क्लटरिंग कह लो तो कौन सा क्लटरिंग, उसके अंदर भी इतना हशर हो गया उसमें। अब माशाल्लाह सुकून से बैठे हैं, अब सिर्फ जिम जाती हैं ये। आज जिम अब क्या मिस होगा या वहां से आके ब्रैम्पटन से आके फिर जाओगी? नहीं, उम्मीद तो है कि मैं जाऊंगी, वापस आके जाओगी, है ना। कल मैंने मिस किया था क्योंकि 3 दिन के बाद मैंने कहा एक दिन गैप ले लो, क्योंकि एकदम से भी शुरू करना और वैसे भी एक गैप लेना चाहिए वरना बॉडी बहुत ज्यादा वो हो जाती है। हालांकि मैं रनिंग वगैरह कुछ नहीं कर रही हूँ वहाँ पे, और नॉर्मल सी एक्सरसाइज वॉकिंग, कल मैंने फर्स्ट टाइम वो किया था परसों आप अंदाजा करें कि आप मुसलसल सीढ़ियां चढ़े चले बगैर रुके चले जा रहे चले जा रहे।
मैं कहता हूँ शायद उससे बड़ी एक्सरसाइज भी आसपास ना कोई हो। हाँ, पर वो आप कंट्रोल, मैं तो कंट्रोल करके चलाती हूँ, वरना तो उससे हार्ट बीट तेज होने का फायदा है। तो मैंने बिल्कुल मिनिमम 3 पे मैंने करके किया, ताकि क्योंकि मैंने डॉक्टर के पास भी अभी जाना है फाइनल, तो जब तक मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर सकती जब तक डॉक्टर रेकमेंड नहीं करेगा, तो इस वजह से मैं जाती हूँ जिम, 1-1.5 घंटा अपनी आदत बना रही हूँ कि जाऊँ वॉक अराउंड करती हूँ, कि करूँ कुछ ना कुछ तो करके जो होता है हल्का हल्का कर कर आ जाती हूँ। तो मैं मुझे फिर ये लोग यूं करके देखते हैं सारे, मैं इस इंतजार में हूँ, अल्लाह करे जल्द से जल्द ये जो है रिजल्ट इनके बिल्कुल क्लियर हो जाए सारे, और अगर इस तरह है तो ये समझ लें कि बहुत नॉर्मल है, कोई इश्यू नहीं, कोई स्वेटिंग नहीं, कोई पल्स नहीं, कोई कुछ नहीं ब्लड प्रेशर ना, तो हम सोच रहे हैं कि शायद इन चल, लेकिन वो बस रोजों की वजह से आप, मैं कह रहा हूँ आस बच्चे रोजे पहले भी रखते हैं हम, पिछले साल भी तो हमारा था ना रोजे, हमने पाकिस्तान में रखने थे, यहाँ से चलते हैं उमरा करते हुए फिर पाकिस्तान जाते हैं और वहां जाकर रोजे रख लेते हैं, पाकिस्तान जाकर रोजे, अब कोई कुछ पता नहीं है, ये सारा डिपेंड करता है इनके रिजल्ट के ऊपर, अल्लाह करे रिजल्ट से खैरियत से सब ठीक हो जाए तो फिर बाकी प्लान जो भी हैं वो बाद में बनाएंगे। तो ये है, और कोई चीज़ कुछ शेयर करने वाली हो? ये देखे मैं काफ़ी पी रहा हूँ, ये सना अभी सुबह सुबह उठ के गई जब, वो तो आपने लिए लाई काफ़ी, तो मेरे लिए लादमी लेकर आती है आस पास, फिर भी चाय बना के दी मैंने इसको, चाय पी ली, काफ़ी नहीं है, जितनी दूर में तुमने बोला कि इधर गई आवाज में, नहीं बोला जाता इसलिए मुझे लगता है आस्ते आस्ते मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी। तुम मेरे ना जो बोलती हो तो बड़ा अच्छा बोलती है, मेरे ना बोलने वास्ते तेरे को बड़ी एनर्जी आ जाती है, मैं ही रह गया फिर ना। तो ये है सारे प्लान, अब बेशक वो हमारा पिछली वीडियो में बताया कि साइकिल नहीं आसपास सर्दियों वाला, जैसे यहाँ बर्फबारी हो तो हम पाकिस्तान में हो और जब वहाँ गर्मी हो तो हम यहाँ आ जाए, तो सवाल है कि, लेकिन चलो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला ये बन जाएगा, और बस और कोई खास बात अब है नहीं, क्या जबरदस्ती घसीटने वाली बात है, कल लोगों की बात करनी है जल्दी से, मैं फिर बंद करूं कैमरा, और अभी बस 1 घंटा है अभी हमारे पास, अभी 10 बजे हमने इंशाल्लाह घर से निकल जाना है अपॉइंटमेंट के लिए, या फिर वहां जाके ब्रेंटन जाना, वहीं से हाईवे पकड़े सीधा टोरंटो चले जाए, क्योंकि उसामाबाद का भी इनका भी आज प्रोग्राम है, ये क्या नाम है ब्लू माउंटेन वो कहते हैं, वो शायद वहां जाना है इन्होंने, तो हम जो है वहां से चले जाएंगे, लाइबा आएगी ना, अच्छा लाइबा आएगी, शायद आएगी, कह तो रही थी, अब पता नहीं कोई प्रोग्राम चेंज होगा, डे टू डे क्यों फोन चुप हो जाती, मैं मेरा रेडियो नहीं है, रेडियो तो मैं बटन बंद किया था, तो आप बोलते हैं जो बोलना, नहीं फिर मैं ही बोलता हूँ, लोग कहते हैं अंकल ही बात बात आंटी को तो बोलने ही नहीं देते, अरे गल सही है, बोलने में नहीं दिंदा बिल्कुल, 32 साल तो मैं ही बोले, तू नहीं बोली, सर्दी बहुत है आजकल, ये हफ्ता बहुत ज्यादा -25 इस तरह चल रहा है 2-3 दिन से, आप बस और कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारी वीडियो में क्या बोलूं, मैं तो खुद अपने लिए वीडियो कोई नहीं होती, तो तुम्हारी वीडियो में क्या बोलूं। वैक्सीन का इशू आप जैसे नोट कर रहे होंगे पूरी दुनिया में ये बढ़ता जा रहा, कनाडा में भी ट्रकिंग की स्टाइल वो कहते हैं हमने लगाएंगे, हमारी मर्जी है जिसको लगाए, या आपने क्या जिसको वैक्सीन पासपोर्ट वैक्सीनेटेड पासपोर्ट जिसको कहते हैं, कहीं भी एंट्री आप वो दिखाएंगे फिर जाते हैं, अभी भी हम जाते हैं बाद में कहीं कई जगहों पर फूड की उसमें तो वो देखते हैं, तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा, और मैं हैरान हूँ कि ये ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया में ये सर लोग इस इंतजार में बैठे हुए थे, कनाडा में शुरू किया से पहले लोगों ने, और अब लगता है कि पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता, कल मैंने न्यूजीलैंड की खबर पढ़ी, वहाँ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा इसी के भी वैक्सीन का, जो गवर्नमेंट की जबरदस्ती, तो लेकिन साथ ये भी है कि जो दवाइयों की कंपनियाँ हैं आपको पता ट्रिलियन तक बात गई होगी, वो भी अपना पूरा जोर लगाएंगी कि ये बंद नहीं होने देंगे, वो कहेंगे लगे हमारा तो बिजनेस है, बिल्कुल ये तो हर एक का अपना मुफा, उनका तो ये है कि ये ट्रकर्स की जो हड़ताल हुई उससे हमारे ग्रोसरी स्टेट ऑफ एमरजेंसी कनाडा को ओंटेरियो को डिक्लेयर किया,
और उसमें यह है कि जब ये लोग ऊबर ऑर्डर कर रहे हैं, बच्चे ऊबर ऑर्डर मतलब ग्रोसरी जो हम ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसमें लिमिट कर दी, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, टमाटर से ज्यादा नहीं मंगा सकते, चार दो बनाना से ज्यादा नहीं मंगा सकते। लाइक हम कितने बड़े बड़े जयपुर खड़े जाते चलते फिरते दो बनाने खा लेते हैं। गंडे थे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लाई प्याजा थे, ये पूछ रही होंगे ना, क्यों गंडे थे फिर बड़ा जुल्म है जो प्याजा के उत्ते इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन लाई ना, उस लिए तो फिर मैं भी प्रोटेस्ट से बाहर निकले आ रहा हूँ। और ग्रोसरीज इतने महंगी हो गई है कि $100 में आप मतलब इतना सा सामान आता है पहले, और आप सोचे कि पहले कॉस्को जाते थे $400-500 में इतना सारा, इतना पूरी कार्ड भर जाती थी, अब वो $400-500 में नहीं भरेगी, अब वही आप 20% ज्यादा कर लें। यानी अगर थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ी हो ना, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप ये सोचिए ये किन्नू जिसको हम कहते हैं और नारंगी जिसको, यार ये 60 सेंट यानी 60 रुपए की ये पाउंड होती थी, यहाँ के मैं 5 रुपया रफली एक बता दिया आपको, ये 70 रुपए कह लें, आप ये सोच सकते हो $3 की अब पाउंड हो गई यहाँ कैनेडा में, जो कि 60 सेंट की यानी 60 रुपीज आप रफली आम लोगों के लिए, अब वो कितने की होगी 60 से 300 रुपए की वो पाउंड हो गए, 5-6 times उसकी प्राइस बढ़ गई। एक होता ना डबल हो जाए, हम कहें चलो ये डबल हो, डबल की तो बात ही छोड़ दें, किसी चीज को आप हाथ लगाएं वो 3 times आपको प्लस में नजर आ रही है, 3 times प्लस मिल रही है। मैं हैरान हूं कि ये इतनी महंगाई पूरी दुनिया में बढ़, कुछ कंट्रीज में हो जाए, कहीं रुकावट हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई इश्यूज हो, कहीं स्नो ज्यादा है वहां, लेकिन नहीं, अगर आप गौर करें, ये मैं किसी की वो वकालत नहीं करना चाहता, इवन पाकिस्तान में इतना शोर होता, वहां बहुत सारे लोग जो समझदार, वो कहते हैं भाई पूरी दुनिया में गवर्नमेंट भी रो रही, पूरी दुनिया में ये आ रही, लेकिन लोगों को नहीं समझ आ रही। मैं कहता हूँ हमको नहीं समझ आ रही, हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक चीज लेने जाओ जो $1 की थी आपको $3-4 की मिल रही है, देखते ही देखते। और गैस की प्राइस इतनी ऊपर चली है, अब सबको लगता है फ्यूचर में वैसे भी गैस कार्स बंद हो जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक कार खरीदें जो भी लें अब, और क्योंकि 170 तक तो ऑलमोस्ट गैस पहुंच चुकी है, यानी $1.60 $1.65 का ये रेगुलर वाली, अगर आप दूसरी जो मैं डलाता हूँ जो 3 grade अप है या हाई ऑक्टेन जिसको कहते हैं पाकिस्तान में, 94 भी वहां नंबर है इनका शेल वाला, ये $2 से ऊपर चली गई, आप अंदाजा करें। हाँ, तो आपके पास फालतू पैसा है, फालतू नहीं फिर वही बात आसमान मुझसे क्या करो, मैंने नोट किया जब हाई ऑक्टेन मैंने डलवाई उसके ऊपर कार मेरी चली, ये देखें 3.5 liter का 3500-3500 cc ये इंजन है, ठीक है ये जो बेंथ है इकला, मैंने वो जो उससे पूरा टैंक जितने लीटर डले उस प्राइस पे वो चली 650 किलोमीटर, और आसपास ने बड़ा प्रोटेस्ट किया तुम महंगी गैस डलाते हो वो डलाते हो, मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि ये इसको इस तरह ना दो कि ये महंगे पैसे, ये गाड़ी भी उतनी ज्यादा चलेगी और इंजन के लिए फायदेमंद है, नहीं मानती क्योंकि ये 8th स्टूडेंट मैं साइंस का, इंजीनियरिंग पढ़ी मैंने। अब क्या है आप अंदाजा करें कि मैंने इसके कहने पर दूसरी टैंक फिल कराया और उसके ऊपर वो 400 वही टेम्परेचर, ये देखें ये टेम्परेचर भी बड़ा वेरी करता है, अगर बहुत ज्यादा ठंडो, मैंने खास तौर पे उसको नोट रखा कि टेम्परेचर का डिफरेंस कितना, तकरीबन उतना ही टेम्परेचर यहाँ कनाडा की बात कर रहा हूँ, आप अंदाजा करें 465 किलोमीटर और 650 किलोमीटर 110 किलोमीटर, वहां अगर मैंने $20 ज्यादा दे दिए तो आपको 110 किलोमीटर भी ज्यादा कार चली, चलो इक्वल हो गया ठीक है, ले आपको बोनस क्या मिला, फायदा क्या हुआ कि आपको ज्यादा मरतबा गैस पंप के ऊपर रुकना नहीं पड़ा, दूसरा कार के लिए उसके फायदेमंद है, लॉन्ग टर्म कार का इंजन सेफ रहता है और उसका पिकअप अच्छा रहता है। क्या बात करते हो, आर्ट्स पढ़ी तुम पूरा पढ़ ले, मर्जी उतना नहीं है फायदा जितना ये, आप लोग उस पर नहीं जाइएगा, आप अपने रेगुलर ड्राइव पैसे बचाए रेगुलर नहीं डाले उसमें गैस, पर 450 किलोमीटर कहां 600 किलोमीटर आसपास, क्या बात करती हूँ, ढगे गड्डिया बैल गड्डिया बहन वाले खोते गड्डिया बहन वाले लोगों की पता कि कार दी मेंटेनेंस और कार दी लुक आफ्टर किस तरह, यह भी लुक आफ्टर का किस्सा, इस तरह नहीं ये जो कार मेरी, यकीन करें 4 साल तकरीबन होने लगे चलने को,
एक पैसा इसके इंजन पे किसी चीज पे उस पे कोई मिसिंग, और वो फिर वो उसका क्या उसका इंजेक्टर था, आपको पता है अब तो इंजेक्टर कोई किसी इंजेक्टर चोक हो गया, वो चोक हो गया। ये 4 साल से मैं इस कार को चला रहा हूँ और अभी तुम्हें पता नहीं है कि नहीं, अब बहुत जल्द इसको हम चेंज कर रहे हैं, इसको बेचना है, और कोई मेरा अच्छा फॉलोअर हो जिसको वाकई अच्छी गाड़ी चाहिए तो रब्ता कर सकता है। तो खैर ये है सूरत, चलो जल्दी चाह खत्म करते हैं अपना, चलिए अपना बस दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द दोबारा पलटते हैं। आज तो अभी ज़ाहिरा नीचे आई थी तो अब वो सोने चली गई, और इंशाल्लाह वो आप लोग हमेशा देखना चाहते हैं उसको, लेकिन यही है कि वो जब होती है तो साथ होती है, कभी सो रही है कभी वीडियो, अब मैंने फ़ौरन कैमरा ऑन किया वो तो अब नहीं है उसमें, तो इंशाल्लाह वो उसका साथ रहेगा उसका। शुरू से लोग देखते आ रहे हैं, लोग पसंद करते हैं, वो छोटी से गोद में उठाई हुई फिर उसको सिखा रहे करते करते माशाल्लाह आज ये दिन आ गया। तो वो इतने आप लोग इन्वॉल्व हो मुझे कमेंट से पता लगता है, जो रेगुलर देखने वाले वो उनको तो ऐसे ही लग रहा है कि उनके घर में कोई एक बेबी ग्रो अप हो रही, बढ़ रही है, ऐसे ऊपर जा रही है, तो मैं भी बड़ा खुश होता हूँ उसकी वीडियो बना के। अच्छी बात है, लेकिन ये टाइम है, टाइम चेंज होता है, चले जी यहाँ मैं बंद करता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं, आज जितनी वीडियो भी मेरी हो गई अखा तो बंद हो रही है। अच्छा नीनी आई है, अल्लाह का जायरा तो अब काका भी नहीं रहा, जायरा तो बड़ा हो गया ना, तो अब बड़ा बड़ भी हो गया जायरा, तो सारे काम करती है माशाल्लाह, झाड़ू भी देने लग गई, वाइप भी करने लग गई, वो भी करने लग गई, है ना जायरा बाबा। अब खा क्यों नहीं रही, इसने खा लिया ना, नहीं खा रही। चलो वो बाकी नहीं, वो गई। अच्छा मैंने टेस्ट करना, मैं समझा आप अपना कैमरा क्यों लेके आ रहे हो, मैं समझा शायद वीडियो बना लो।